हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। जैसा मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि अब हम जीने की वायरिंग बाकी है ऊपर बाउंड्री की, तो जीने की बाउंड्री की वायरिंग हम कर रहे हैं इस टाइम पे। कनेक्शन कैसे हो गए, बाउंड्री के ऊपर कितनी लाइट और जीने में कितनी कितनी हाफ देनी है, कैसे कैसे है, वो सब इंशाल्लाह शॉर्ट में बताएंगे आपको। सबसे मेन होते हैं कनेक्शन, इसमें ये कौन कौन से पॉइंट है, कितनी लाइट है ऊपर बाउंड्री पे, ये बाउंड्री है दोस्तों, ये नीचे से मेन पाइप आया है दोस्तों, ये नीचे से मेन पाइप आया है, नीचे से हम यहाँ पे तार लिया है। कहाँ से आया है वो अभी बताऊंगा आपको मैं। दोस्तों ये वाली लाइट जो है, ये लाइट होती है ऊपर जो हंडिया टाइप की होती है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बनाया जब फिनिश हुआ था एक घर हमारा। ये लाइट, एक ये लाइट, बहुत सारे पॉइंट है ये, इसमें हैवी तार डाली है हमने सबकी, ये दो ही तारों से चलेगी सब, हैवी है, एक ही हाफ है, कम से कम 40 से 50 लाइट है ये। एक इस टाइप की लाइट है, एक फोकस लाइट है, इससे नीचे सेंटर में जो तार चमक रहा है, एक डब्बी ये, एक ये फोकस लाइट है दोस्तों, ठीक है, जो हमारा दूसरा भाई डाल रहा है, अभी बताऊंगा आपको कौन सी वाली। ये तो हमारी ऊपर वाली लाइट होगी सब, एक ये, एक ये और कोने पे, और नीचे वाली लाइट जो है, नीचे वाली लाइट ये हमारा भाई बहुत परेशानी में झुक के डाल रहा है, बिहारी भाई हमारा, एक ये है, ये नीचे सेंटर में रखते हैं दोस्तों। जो ऊपर वाली लाइट है इसके सेंटर में हम नीचे वाली रखेंगे फोकस लाइट, जैसा कि ये। तो दोस्तों दो तरीके की लाइट होगी, एक फोकस और एक ऊपर वाली है, और तीसरी जो हमारे पास हाफ आई है ये, यहाँ पे लंबी वाली लाइट लगेगी, सीनार, सऊदी में सीनार बोलते हैं, जो लंबी ट्यूब लाइट होती है हमारी, वो यहाँ के ऊपर छत की रोशनी के लिए लगेगी। तीन लाइट है हमारी, ये है, ठीक है, ये यहाँ पे छत पे रोशनी के लिए तीन ये है, और तीन इस जीने के, जीने वाला रूम जो है, तीन यहाँ पे दिए, एक ये और एक ये, ठीक है दोस्तों। इसकी वायरिंग हो चुकी है, बताता हूँ आपको, कनेक्शन बाकी है अभी। हमने यहाँ पे तीन हाफ दे दी, जिप्सम बोर्ड वगैरह कुछ होएगा या प्लास्टर होएगा तो दो कैंसिल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये डब्बी है इसकी तीन, यहाँ पे मेन हाफ आ गई है, ऊपर से मेन हाफ आ गई, और ऊपर की जो हाफ है वो नीचे जाएगी पाइप के थ्रू, अभी बताएंगे आपको नीचे। ऊपर से, ऊपर की जो लाइट है, छत के ऊपर जो लाइट दी है हमने, उसकी नीचे जाएगी हाफ, कहाँ पे जाएगी अभी बताता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ से सारी लाइटें जलेगी ऊपर की, जितनी भी है हम सब तारे ऊपर ले गए हैं, दो ऊपर की लाइट की, दो फोकस लाइट की, फिर दो जो लंबी वाली लाइट लगती है पीली वाली जो तार थी हमारी उसकी, सबका स्विच इनपुट आउटपुट यानी सबका अलग अलग लगेगा, एक एक बटन वाला, ठीक है दोस्तों। जैसा हम के गीजर में लगाते हैं, दो उसमें इनपुट होते हैं न्यूट्रल फेस, दो आउटपुट न्यूट्रल फेस, वो वाला लगेगा सबको यहाँ पे ऊपर की लाइट का, सब यहाँ से जलेगी ऊपर की जितनी भी है। हम तार ऊपर ले गए, कनेक्शन अभी हम ऊपर के जोड़ेंगे, यहाँ से हमारी 8 हाफ गई है ऊपर, वो भी बताता हूँ कैसे कैसे कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों अभी हम कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला पाइप जो है हमारा मोटा वाला, ये नीचे से आया, जो अभी नीचे टप्पी दिखाई थी ना 6, तो वहाँ से आया ये पाइप। ये दो दो तार सबके न्यूट्रल फेस अलग चाहिए, कैसी भी लाइट हो ऊपर सबकी दो दो तार अलग, न्यूट्रल फेस ऊपर वाली लाइट की अलग, फोकस की अलग, ठीक है, वो लंबी वाली लाइट जो है हमारी ट्यूब की अलग, ठीक है दोस्तों। और ये वाला पाइप जो है हमारा, ये वाला पाइप हमारा पूरी बाउंड्री पे
दौड़ा हुआ है पूरी बाउंड्री पे। इसी में हमने लंबी वाली टाइप लाइट के दो तार पीले जो दिखाए थे मैंने, लंबी वाली ट्यूब के हमारे ये दो तार है, और ये वाले दो तार हमारे ऊपर वाली लाइट के है, जो हांडी लाइट बोलते हैं इंडिया में इसको, ये वाले। और दो तार हमारे राइट से आए यही वाले, यानी दोनों एक ही है। दो तार हमारे इधर से आई है ऊपर की लाइट के, और दो तार हमारे उधर से आए। तो इसकी जो हमने ऊपर की हांडी की लाइट के तार, ये नीचे से आए इस वाले पाइप में, इसमें न्यूट्रल फेज जोड़ दे गए ये वाले। अब ये ट्यूब के है, ट्यूब के जोड़ा है भाई। न्यूट्रल फेज डायरेक्ट अलग होने चाहिए भाई उनके, क्योंकि लोड ज़्यादा रहता है, बारिश में भी मुश्किल हो जाएगी पानी वानी। ये हमारे ट्यूब के, जो ट्यूब हमारी देखो नीचे बाउंड्री पे लगेगी लाइट के लिए, ये हमारे ट्यूब के कनेक्शन कंप्लीट हो गए, ठीक है। वो दो तार ये हमारे ऊपर की लाइट है, ये बाउंड्री लाइट है ना नीचे से, वो हमारे इस पाइप में ये यहाँ पे जुड़ जाएंगे। नीचे की फोकस लाइट के दो तार राइट साइड से, इसी तरह दो तार लेफ्ट से, उसके भी हमारे दो तार ये हरे वाले आए थे नीचे से, फोकस लाइट के दो तार हरे वाले ये, और ये फोकस लाइट के हमारे कनेक्शन हो गए। टेप अच्छे से लगाना दोस्तों, नहीं तो पानी में मुश्किल हो सकती है। ये फोकस लाइट के होगा दोस्तों हमारे, क्योंकि दो तार हमारे उधर से आएंगे, दो इधर से आएंगे, दोनों को उठा के हम नीचे वाले नीचे से आए, जो नीचे से आए डब्बी से उसमें जोड़ देंगे। ये मेन न्यूट्रल फेस है नीचे की फोकस लाइट के, ये मेन न्यूट्रल फेस है ऊपर की हांडी लाइट के, और ये मेन न्यूट्रल फेस है ट्यूब के। अभी हमारा ऊपर की लाइट के बाकी है बस कनेक्शन, ये एक एक न्यूट्रल फेस अलग अलग कर देंगे। कनेक्शन होने के बाद, प्लस्तर होने के बाद, इसके ऊपर हम लाइट रख देंगे तो ये कवर हो जाएगा सब। जो होते हैं टीवी की केबल, हर रूम की सेपरेट हम यहाँ पे ले आए ऊपर, ये जितने भी रूम हैं हमारे सबकी केबल हम 2 इंची का पाइप हमारा नीचे से, 2 मंजिल है दोस्तों ये, सबकी केबल हम ऊपर ले आए।